मंत्रियों को लाखों का भुगतान करने का अर्णब गोस्वामी पर आरोप लगा है। रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्णब गोस्वामी के खिलाफ मुंबई पुलिस का शिकंजा कस सकता है। पुलिस ने सोमवार को स्थानीय अदालत में आरोप लगाया कि रिपब्लिक टीवी और उसके हिंदी न्यूज चैनल के लिए टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स यानी टीआरपी में छेड़छाड़ करने में बार के पूर्व सीईओ पार्थो दास गुप्ता के साथ साजिश में शामिल थे। इतना ही नहीं, गोस्वामी ने दास गुप्ता को लाखों का भुगतान भी किया। क्राइम ब्रांच ने मजिस्ट्रेट कोर्ट से दास गुप्ता की हिरासत अवधि बढ़ाने की मांग की है, जिसे स्वीकार करते हुए अदालत ने हिरासत 30 दिसंबर तक बढ़ा दी। पुलिस ने दावा किया है कि दास टीआरपी घोटाले के मास्टरमाइंड हैं। उन्होंने तथा अन्य आरोपियों ने वित्तीय फायदे के लिए चुनिंदा न्यूज चैनलों की टीआरपी के साथ छेड़छाड़ की। पुलिस का दावा है कि बार के पूर्व सीईओ रोमिल रामगढ़िया ने भी दास गुप्ता के साथ मिलकर कुछ चैनलों की टीआरपी में हेराफेरी की। इस गड़बड़ी में दास गुप्ता, अर्णव और अन्य के साथ साजिश में शामिल थे। पुलिस ने आरोप लगाया है कि अपने चैनलों की टीआरपी में बदलाव के लिए गोस्वामी ने समय समय पर दास गुप्ता को लाखों रुपए का भुगतान किया। दास गुप्ता ने इन पैसों का उपयोग आभूषण और अन्य महंगे सामानों की खरीद में किया। इन सामानों को भी उनके घर से जब्त भी किया गया। उन पर यह भी आरोप लगा है कि बात का सीईओ रहते उनके पास सभी चैनलों की टीआरपी रेटिंग पर गोपनीय जानकारी उनके पास थी और जांच में यह भी पता लगाना है कि क्या उन्होंने इसकी जानकारी अन्य को भी दी थी। टीआरपी घोटाले में अब तक 15 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।